जिस तरह से जिंदा रहने के लिए और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना खाना जरूरी है, ठीक इसी तरह से जिंदा रहने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को सोना भी जरूरी है। तो क्या आप जानते हैं कि हमें कितना सोना चाहिए? एक बच्चे को कितना सोना चाहिए, एक बूढ़े व्यक्ति को कितना सोना चाहिए और एक जवान व्यक्ति को कितना सोना चाहिए? कहने का मतलब कि हर एक एज में एक व्यक्ति को कितना सोना चाहिए, क्या आप जानते हैं? यदि जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस एज में हमें कितना सोना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीरो से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब तक उम्र जीरो से लेकर 3 माह तक होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, कितना एज, तो जब एज जीरो से लेकर 3 माह तक रहता है तो वो फिर लड़का हो या लड़की, उसे कम से कम 14 से लेकर 18 घंटा तक सोना चाहिए, यानी कि इसके बीच में सोना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो बच्चा होता है शुरुआत का 0 से लेकर 3 महीना तक, वह लगभग 14 से 18 घंटा तक सोता है। उसके बाद जब बच्चा हल्का सा बड़ा होता है, यानी कि 4 से लेकर 11 माह तक होता है, तो वह लगभग 12 से 15 घंटा तक सोता है। कितना सोता है? तो जब बच्चा हल्का सा बड़ा होता है, यानी कि 4 माह से लेकर 11 माह तक हो जाता है, तो वह लगभग 12 से 15 घंटा के बीच में सोता है। अब देखिए, यह लगातार नहीं सोता है, बीच में जगेगा फिर सोएगा, यानी कि 24 घंटा में वह इतना सोएगा, ठीक। यह 24 घंटा का आंकड़ा है, यह नहीं है कि लगातार इतना घंटा सोएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। 24 घंटा में वह कुल जितना बार सोएगा ना, उन सभी को मिलाकर लगभग इतना हो जाएगा। उसके बाद वही बच्चा जब बड़ा होता है, यानी कि 1 से लेकर 2 साल तक हो जाता है, तो उसकी सोने के टाइम घटने लगता है। देखिए, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके सोने का समय जो है वह कम होता जाता है। तो जब बच्चा 1 से लेकर 2 साल तक हो जाता है तो वह लगभग 11 से 14 घंटे के बीच में सोता है। वहीं बच्चा जब बड़ा होता है और 3 से 5 साल तक हो जाता है तो वह 10 से 13 घंटा लगभग सोता है। उसके बाद बच्चा फिर बड़ा होता है और वहीं बच्चा जब 6 से 13 साल तक हो जाता है तो वह 9 से 11 घंटा लगभग सोता है, और वो भी कितना समय में? तो 24 घंटा में, ठीक। यह भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि जब 14 से 17 साल तक हो जाता है, तो उसका सोने का टाइम कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और वह हो जाता है 8 से 10 घंटा। उसके बाद जब जवान हो जाता है, और जवान से लेके बूढ़े तक, यानी कि 18 से लेके 60 वर्ष तक, यानी कि जितना साल भी वो जीता है, उसका सोने का टाइम लगभग क्या हो जाता है? यह हो जाता है 7 से लेकर 9 घंटा के बीच में। और हाँ, देखिए, जो भी व्यक्ति जवान है, यानी कि 18 प्लस में है, उनको हर रोज लगभग कम से कम, देखिए, 7 से लेकर 9 घंटा के बीच में सोना चाहिए। इस तरह से देखिए, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं 5 घंटा सोता हूँ, 6 घंटा सोता हूँ, या फिर कुछ लोग ज्यादा भी सोते हैं। तो देखिए, सोना में ऐसा है ना कि हमें ज्यादा भी नहीं सोना है और कम भी नहीं सोना है। जो आंकड़ा है ना, हमें मीडियम मार्ग में चलना है, ठीक। इस तरह से यदि हम सोते हैं तो फिर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शरीर में फुर्ती रहेगा, काम करने में भी मन लगेगा और हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा।